सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। आप इन शराइत पर बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं तो मुझे एक दिन पहले फ़ोन करके बता दीजिएगा, हम लीगल एडवाइज़र से अपने कागजात तैयार करवा लेंगे। मुझे तो डर है कि उन्होंने जहर को मार ही ना दिया। खुदा ना करे। तुमने शहाब भाई को फ़ोन किया? नहीं। क्यों? मैं नहीं चाहती कि शहाब भाई राबिया आप ही को इस हालत में देखे। आइए। नहीं, मैं बस राबिया और जहर के मुतालिक पूछने आया था, कुछ पता चला उनके बारे में? राबिया पे मिल गई है। क्या? वो कहते हैं कि वो ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते जिसका दामन दागदार हो चुका, और उन्होंने कहा है कि राबिया आप ही उनके लिए मर चुकी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था मारी। इतनी जल्दी तो दर दीवार से भी ताल्लुक नहीं तोड़ा जाता। जितनी जल्दी शहाब भाई राबे आपी से तोड़ दें, क्या इतना आसान होता है किसी को अपना लेना और फिर छोड़ देना? नहीं, मगर जिन लोगों के दिल पत्थर के होते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान होता है। कितनी अजीब सी बात है, राबे आपी ने जिस इंसान को अपनी जिंदगी समझा, आज उसी की जिंदगी में राबे आपी के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं। उसके साथ दुख सुख बांटे, आज उसी को परवाह नहीं है कि राबे आपका जिंदा है या सिर्फ सांस ले रही है। वो इंसान मोहब्बत के बदले मोहब्बत तो क्या देगा? इंसानियत के नाते उसके पास राबे आपी के लिए हमदर्दी के दो अल्फाज भी नहीं। कोई इतना संग दिल, इतना बेरहम, इतना सफाक कैसे हो सकता है? मर्द और औरत की मोहब्बत में फर्क होता है रानिया। मर्द की मोहब्बत मशरूत होती है, जबकि औरत की मोहब्बत में ना तो कोई गर्ज होती है और ना ही कोई शर्त। लेकिन मैं क्या करूं? राबिया आपी को पता चलेगा वो तो मर ही जाएंगी, और अब्बू क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये वक्त राबिया आपी को सब कुछ बताने का नहीं है। अगर तुम इस वक्त उन्हें सब कुछ बताओगी तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। लेकिन जब भी वो होश में आती है शहाब भाई का पूछती, मैं कब तक छुपाऊं उनसे, कब तक झूठ बोलूं? जब तक मुमकिन। मैं देखती हूँ। मैं अपने कमरे में। वसीम साहब की कॉल आई थी। अच्छा, खैरियत? वो हमारी शरायत के मुताबिक बच्ची अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आज शाम को अपने वकील के साथ आ रहे हैं। भैया तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। वाकई गुलनार, ये तो तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है। चलो अच्छा हुआ कि हमारे जाने से पहले ये काम हो जाए, सुकून से जा सके। हफीज भाई, आप लोगों का परसों जाना क्या बहुत जरूरी है? खैरियत, क्यों? मैं अकेले ये सब कुछ कैसे संभालूंगे? ओहो भाई, तुम क्यों फिक्र करती हो, सब कुछ संभाल लो। पहले भी दो दफा हम अपना जाना मुलतवी कर चुके हैं, अब ये फर्ज पूरा हो जाए तो अच्छा है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। मुझे इंतजार रहेगा। रानिया, आलम और आबिद आए। क्या? आलम तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, उसे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, जाओ उससे जाके मिल लो। मारिया, मैं इन हालात में आलम से क्या बात करूंगी? अब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? बहरहाल तुम्हें उससे मिलना तो पड़ेगा ना, इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी अपना फोन ऑफ मत करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर अपना मोबाइल ऑन रखती तो कम से कम उससे बात तो होती रहती, वो तुम्हारी तरफ से मुतमइन रहता, तुम्हें उसे इस तरह से फेस तो नहीं करना पड़ता ना। उसमें हिम्मत नहीं है मारिया। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, चल। इस तरह? क्या हुआ है मेरे गुलिये को? ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं,
चेहरा तो नहीं बदला जा सकता ना। हुलिया तो बेहतर कर सकती हो ना। मेरे दिल पे कयामत गुजर रही है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं रोऊं भी ना। तो फिर आलम को अपने साथ हुए हादसा की तफसील बता देना, उसे हर वो बात बता देना जो तुम उससे छुपाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तो सब कह रहा है। मुझे लगता है यही सही वक्त है, मुझे आलम को सब कुछ बता देना चाहिए। रानिया, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने दिल में इतना बड़ा बोझ लेके नहीं जी सकती। सब कुछ बता दूंगी आलम को, उसके बाद हमारे रिश्ते का जो भी अंजाम। अहमकों वाली बातें मत करो, पहले ही जो कुछ हो रहा है वो क्या कम है जो तुम मुश्किलात में इजाफा कर रही हो। एक बात याद रखना रानिया, राबिया आपी के साथ जो कुछ हुआ वो उनकी किस्मत थी, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, और उसके बाद जो भी नताइज होंगे वो सब कुछ सोच लेना। मेरी जिंदगी में जितना बुरा हो रहा है इसके बाद तुम किन नताइज से डराना चाहती हो मुझे? यही ना कि आलम मुझे छोड़ देंगे, तो छोड़ दे। शायद मेरे मसाइल का हल इसी में है कि आलम मुझे छोड़ दे। ले मिट्टी, ये मेरे कुछ पुराने जोड़े हैं, जो तुझे पसंद है तू रख ले, बाकी अपनी नंद को दे। सच बीबी साई, मैं ले लूँ ये जोड़े? तो और क्या, मैं तेरे साथ मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं बीबी साई, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो फिर उठा ले, तेरे लिए ही है। अच्छा बीबी साई, आपने उस तावीज का तो बताया नहीं, क्या असर हुआ उसका? हाँ असर तो हुआ है, अब तेरे साई शहर जाने की बात नहीं करते, ना ही मैंने किसी औरत के बारे में सुना है। हाँ बस ये हुआ है कि हर वक्त कुछ सोचते रहते हैं कि वो चुड़ैल गुलनार अभी तक उनके दिमाग से निकली नहीं। आप फिकर ना करें बीबी साईं, साईं जैसे रंगीन मिजाज आदमी के दिमाग पर ना कोई औरत ज्यादा देर डेरे नहीं डाल सकती। हाँ कहती तो ठीक है तू। वैसे भी बीबी साईं, मर्द की जिंदगी में हजार औरतें आती जाती है, लेकिन याद वही औरत रह जाती है जो उसके बच्चों की माँ होती है। बाकी औरतों को तो वो ऐसे भूल जाता है जैसे दो दिन का खाया हुआ खाना। हाँ ये बात तो है, और साईं के बच्चों की माँ तो मैं हूँ। तो और क्या बीबी साईं? अच्छा है, अब तुझे मेरा एक और काम करना है। जी हुकुम बीबी साईं। मुझे एक ऐसा तावीज ला दे कि आलम भी मेरे कब्जे में आ जाए। वो क्यों बीबी साईं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो जाए उससे, और वो खुद रजामंदी दे इसके लिए। पर आलम साईं का तो निकाह हो गया है ना? यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है जिसे तूने हल करना है। कुछ ऐसा कर दे कि वो उस मनहूस को तलाक दे। आप बेफिक्र रहे बीबी साईं, मैं ऐसा तावीज ला के दूंगी कि आलम साईं उस शहरी चुड़ैल की शक्ल तक नहीं देखेंगे। अगर तूने ये काम कर दिया ना, तो तुझे पहले से भी बड़ा इनाम दूंगी। सच बीबी साईं? जा ये कपड़े समेट और जाके अपना काम कर। जी बीबी साईं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर परेशानी की क्या बात है? आपका साथ ही तो मेरे लिए आजमाइश बन गया है, मैं चाहती हूँ कि ये आजमाइश खत्म हो जाए। के लिए बेहतर यही होगा कि जिंदगी के इस मुकाम हम एक दूसरे से अलग हो। हिसार-ए-इश्क तुम्हारे ऐसे कौन से मसाइल हैं जो मुझसे दूर जाकर हल हो जाएंगे? रानिया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। रानिया मेरे जब्त का इम्तिहान मत लो, न
इतना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो वो भी नहीं है जो हो रहा है। क्या हो रहा है? तबाही। मतलब? आपके और मेरे रिश्ते के साथ जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा तबाही मेरी जिंदगी में फैल चुकी है। जो आदमी मुझे आपसे अलहदगी पर मजबूर कर रहा था उसने मेरे इनकार की सजा के तौर पर शहर को हमसे छीन लिया। नियाती का दामन दागदार कर दिया। पर आज मेरी आती का घर बर्बाद होने वाला है। इसके बाद मेरे अबू के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। I'm so sorry, रानिया। जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। और ना जाने कितने मकाम आएंगे इसी तरह के। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाए। अब ठीक होने के लिए कुछ नहीं बचा ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर परेशानी की क्या बात है? आपका साथ ही तो मेरे लिए आजमाइश बन गया है। मैं चाहती हूँ कि ये आजमाइश खत्म हो जाए। इसके लिए बेहतर यही होगा कि जिंदगी के इस मुकाम हम एक दूसरे से अलग हो। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो और किससे कह रही हो? हाँ मुझे अंदाजा है। मेरे ख्याल में तुम्हें मेरे साथ एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो तुम्हारे दिमाग से सारी फजूल बातें निकाल सके। मैं मजाक नहीं कर रही आलम, मुझे तलाक चाहिए। I'm so sorry. लेकिन मैं तुम्हारी इतनी घटिया ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारी जबान पे तलाक का लफ्ज आया तो क्या? पहले तो मैंने सोचा था कि एग्जाम्स के बाद रुक सकती होगी, मगर अब मुझे लग रहा है कि ये काम मुझे बहुत जल्द करना पड़ेगा। मैं आपसे तलाक मांग रही हूँ और आप रुखसती की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये तो खुदगर्जी है आलम। हाँ मैं खुद कर सू, तुम्हारे मामले में मैं खुद कर सू। आप मुझे खुद से वाबस्ता रखे मेरी तबाही का तमाशा देखना चाहते हैं? तुम्हें जो सोचना है जो समझना है समझो, मगर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। And that's it. आपको बहुत बहुत मुबारक हो गुलनार। जाओ बच्ची को ले आओ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्यों बुलाया, इतने गुस्से में क्यों? तुझे पता है आज रानिया ने मुझे किस चीज का तकाजा किया है? क्या? उसने मुझसे तलाक मांगी है। What? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा रानी ऐसा सोच भी सकती है। आखिर ऐसा हुआ क्या? उसका दिमाग खराब हो गया है। वो समझती है कि मुझसे तलाक लेकर उसकी जिंदगी में सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आखिर कोई बात तो हुई होगी जो रानी इतना बड़ा तकाजा कर रही है, वरना औरत इतने बड़ा लफ्ज अपनी जुबान पर नहीं ला सकती।
और वो उस मर्द से अलग होने का सोच ही नहीं सकती जिससे वो मोहब्बत करती है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि रानी तुमसे मोहब्बत करती है। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मगर इस बात से हट जरूर हुआ हूं कि अपनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक करने के लिए मुझसे अलग होना चाहती है। मेरी मोहब्बत की, मेरे जज्बों की उसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। मुझसे दूर जाना बहुत आसान है, मुझे छोड़ देना आसान है। अच्छा छोड़, इन बातों को भूल जाओ। जब तुम जानते हो रानी तुमसे मोहब्बत करती है तो इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। मगर उसकी इन बातों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तुम क्या सोच रहे हो? वक्त आने पर बताऊंगा। क्यों ना हम अपने बड़े से घर में एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करें? हाँ, तो अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज नहीं है। बल्कि ये तो और भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि दोस्तों से, रिश्तेदारों से सबसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। ये ठीक है, फिर मैं आज ही मम्मी पापा और मारिया को फोन करती हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम मारिया और उसके दोस्तों को बोल दो। देखो ये यंग लोग हैं, बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बाद में सब रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेंगे। गुड आइडिया। रानिया तुम इतनी अहमक हो सकती हो, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अरे इतनी बड़ी बात तुमने आलम से इतनी आसानी से कह दी। अगर खुदा ना खास्ता गुस्से में उसके मुंह से वो अल्फाज अदा हो जाएं, तो तुमने सोचा है कि उसके बाद क्या होता, तुम्हारी जिंदगी कैसी होती? तुम्हें क्या लगता है कि तलाक लेने के बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी? मैंने कुछ भी दिल से नहीं कहा। और तुम तो जानती हो कि आलम के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। लेकिन मेरा आलम के साथ वाबस्ता रहना उसकी जिंदगी में क्या कर सकता है, इसका अंदाजा तुम लगा चुकी हो। और फिर मेरे घर वालों का क्या कसूर कि वो मेरे और आलम के रिश्ते को बाकी रखने की कीमत अदा करें? उन्होंने क्या किया, उन्हें क्यों सजा मिले? मैं समझ सकती हूँ रानिया, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बार बार समझाया है और आज फिर समझा रही हूँ कि आलम से अलहदगी मसाइल का हल नहीं है। और यूं भी ऐसा करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, मजीद बिगड़ जाएगा। और जी मुनज़ा आपा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो। सच में आपने बहुत अच्छा काम किया। अरे मैं बहुत खुश हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ पार्टी का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त में पार्टी अटेंड करना थोड़ा अजीब सा लगेगा। जी रानिया मेरे साथ ही है, जरूर बात हो सकती है। मुनज़ा आपा बात करना चाहती है, बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो मुनज़ा आप जानती हैं ना कि इन हालात में मेरा पार्टी पे आना आसान नहीं होगा, लेकिन आप नाराज मत हो, मैं कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज़। चला गया ये बच्चा, अल्लाह खैर करना, अल्लाह मेरे बच्चे की खैर करना। कहाँ थे तुम? अरे मैं सुबह से तुम्हें फोन कर करके तुम्हारे मोबाइल पे पागल हो गई हूँ। उसके बाद मैंने ऑफिस में फोन किया, ऑफिस वालों को पता ही नहीं कि तुम कहाँ गए हो, किसी को कुछ नहीं बता के गए, इतने गैर जिम्मेदार हो गए तुम। अंधेरा मिल गई है। डॉक्टर से मिलने के बाद शहाब भाई ने कहा कि राबिया आपी से मिलने की ना तो उन्हें ख्वाहिश है और ना ही जरूरत। इतना परेशानी ये नहीं है कि सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, बल्कि जल्द अज जल्द साहिर को उसके बाप का नाम और उसकी शनाख्त मिल जाए। उसका बाप मर गया है। मुझे घर जाने आ रहा। आई मेरी मर्जी से थी,
जाओगी भी मेरी ही मर्जी से। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा हिसारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, जीने का सिर्फ ना